हेलो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, अज दी जेड़ी लाइव है, मैं चाहना कि डोगरी बोलना, कि अज दा जेड़ा पूरा वीडियो मैं पूरा ट्राई करगा कि मैं डोगरी च गल करनी है। ते अपने जिन्ने भी साढ़े जेएनके दे बंदे ने जिन्हें डोगरी प्रॉपर समझ आई जाती है, जां जेड़े पंजाबी भी हैं, मतलब जेड़े समझी जाते डोगरी के है, के लैंग्वेज है, ते उनके बारे में पूरी गल जी डोगरी करने की कोशिश करनी। मैं काफी ज्यादा लंबा, हेलो डिगरा, क्या हाल चाल है, काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया कि जो मैं अपनी डोगरी गल नहीं करता। ते गल करनी है फिटनेस के बारे में, गल करने हैं सारे को पहले कि साढ़े लोगों जो जम्मू के या कश्मीर के लोग है, हाली भी मैं मान सकना कि फिटनेस काफी ज्यादा पिछे हैं। जेडे जिम जाते वह भी, अगर मैं मैक्सिमम गल करा 100% लेके चला, तो उनके च भी 50 से 60% जेडे खड़े मुड़े के जिम जाते, ते 10-15% जेहड़ी कुड़ियां जांदियां, ते जेहड़े साढ़े ओल्ड एज उन्हें मतलब फिटनेस दी बहुत ज्यादा जरूरत है। जेहड़े साढ़े पापे, साढ़े चाचे, साढ़े मामे, ताए जेहड़े भी हैन, वो जिम नहीं जांदे हैन। ते हुण मैं थोड़ा जिहा क्लियर करा कि अगर तुस जिम नहीं जांदे उहदा तुहें की नुकसान होआ दा, ते अगर तुस जिम जा रहे हो जां तुस जाना चाहते हो पर तुस शर्म करने हो कि नहीं मैं हुण बुढ़ा ही रहा, कुत्थे मुँह चुकी है जां जिम जां मैं बुढ़ी होई गई, झुंड कड्ढने उत्थे, या फिर मतलब के करना के नहीं। तो मैं उन्हें सारे को पहला एक चीज बोलना था कि जी तुम्हारी अपना जो शरीर है वह तुम्हारा थोड़ा अपना है, ठीक है, तुम्हारा अपना शरीर है। थोड़ी गलती माफ करे अगर थोड़ी बहुत पंजाबी में मुंह निकला ही हो, क्योंकि मैंने पिछले 9 साल हुई है मतलब पंजाब च रहते, तो थोड़ी बहुत जी है मेरे मुंह पंजाबी जी है वो अपने आप है, जो शब्द ने वो निकली जाते मुंह चा। तो हूँ सारे को पहला अगर मैं गल करा तो फिटनेस की, सारे फिटनेस सारे को पहला जेड़े अगर ये सेमे नहीं डिवाइड करिए सुना, तो तीन पांच हिस्से जेडे सारे को पहला आते हैं। जो सारे को पहला आता कि तुहाडा जेड़ा स्ट्रेंथ, कि तुम कोई भी काम करना, तुम खेतरा च काम करना, तुम घर काम करना, या कुछ भी तुम काम करना चाहते हो, तो सारे को पहला कि तुम्हें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तुम्हारे शरीर ताकत होनी चाहिए, कोई भी चीजें खिंचने की या कोई भी चीजें धक्का मारने की तुम्हें ताकत होनी चाहिए। ये सारे मेन जेड़ा एक कंपोनेंट है जो फिटनेस के सारे उपर आता है। तो दूसरा नंबर जिसे आप पंजाबी उसे हिंदी च मतलब बोलने हैं कि साह चढ़ना, या मतलब कार्डियो जो तुम्हारा हर्ट जरा दिल जरा है उत वो काम आवा दा, उसी अस बोलने हैं कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, मतलब जरा काम जरा तुम्हारा दिल करा दा वह फंक्शन, तो वो बड़ा ज्यादा जरूरी होंगे। तो वो की जरूरी हों, तुस गैस करो कि तुम कोई भी काम जरा है थोड़ा वो लंबा करना है। एग्जाम्पल तुम्हें कुछ दौड़ना गया तुम्हें मगर कोई कुत्ता पी गया, जो तुम्हें दौड़िए कुछ जाना है, तो मिगी समझ लगे जेडे व्यूअर है ना उन्हें पता नहीं डोगरी समझ आवे कि नहीं आवे, पर मैं फिर भी तुसें एक्सप्लेन करना कि मैं वो बोला कि जो अगर तुम्हें मगर कोई कुत्ता पई गया तो किन्नी जल्दी तो किन्नी दूर तक तुम दौड़ी सकते हो, कि दौड़ना तो है नहीं तो कुत्ते लत फड़ लेनी है, तो दौड़ना तो तुम्हें पौना पौना, तो किन्नी जल्दी दौड़ सकते हो, साह चढ़ा कि नहीं चढ़ा, जो कुत्ते खाने तुम्हें आपू भी साह चढ़ी आ रहा है, अगर तुम्हारा भी ये काम हो रहा है तो यह मतलब तुम्हारी जी फिटनेस है वो नहीं है। त्रीए नंबर जी गल आती वो आती फ्लैक्सीबिलिटी की। फ्लैक्सीबिलिटी मतलब यह है कि हम तो अगर मैं जनानियों की गल करा या कुड़ियों की गल करा, तो वह अगर झाड़ू फेर दे उनके को बोन नहीं हो रहा, या फिर पोचा फेर दे आखिरी खड़ोइए पोचा फेर लेनी है, थाले थाले नहीं बोन हों, तो वो बड़ी एक दिक्कत वाली गल है कि जी यूथ है या जरा मतलब लेडीज भी हैं जी साड़ियाँ उनके को उन्हें कम छड़ी डे सारे को बोन नहीं होंगे, बोन नहीं होंगे का सारे को बड़ा जरा मेन रीजन है यही है कि तुम्हें अपने आप की बॉडी की काम करना छड़ी डे, जो वजह कहीं जिन्नी भी दिंदी है फ्लैक्सीबिलिटी जी है बॉडी की नहीं रही है, तो वजह कहने जो बॉडी फ्लैक्सीबिलिटी नहीं होती, जो सारे जॉइंट होंगे जो सारे दो हड्ड सारे जुड़े दे होंगे वो जी फ्लैक्सीबिलिटी घटी जाती है, जो वजह अं बड़ी ज्यादा इंजरी हो जाती है, मतलब कोई भी तरीके की इंजरी मनी जा सकते हो, तुम्हारे गोडे की इंजरी हुई, तुम्हें गिटे की हुई, तुम्हारी बाहें या आर कहीं कुछ भी तुम्हारी तुम्हें सट लगने के चांस है वो बढ़ जाते। वह चौथा कंपोनेंट आता वो आता मोबिलिटी, कोई भी तुम्हारा मतलब अगर तुम्हारी बॉडी मूव ही नहीं करा रही अच्छी तरीके करना, अगर तुम मतलब एग्जाम्पल के तौर पर तुम अगले साइड जा रहे हो तो तुम अचानक मुड़िए पिछली साइड आ, तो किन्नी जल्दी तुम वो काम कर सकते हो, अगर तुम्हें बड़ा टाइम लगा रहा है मतलब एक डायरेक्शन ही जाइए तो दूसरे डायरेक्शन ही तुम्हें अपना जोड़ा है वो चेंज करना है, तुम्हें किन्ना ज्यादा टाइम लगा रहा है, अगर तुम्हारे को ये काम नहीं हो तो यहाँ मतलब तुम्हारी फिटनेस नहीं है। तो फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भार बधाना या भार घटाना, फिटनेस का मतलब यह है कि तुम्हें जे मैं चार पांच कंपोनेंट तुम्हें दसे ना, ये बंदा जेड़ा है बड़ा ज्यादा स्ट्रोंग होना बड़ा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हुण रही गल कि
ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਸੈਰ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੋਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀਆ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਾਕ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਿਆ ਆਖਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਕਿਆ ਆਖਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕੀ ਸੋਚੋਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਹੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਖਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪੂਗਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਗਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਘੰਟਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਆਊਟ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਕਾ ਬੈਠਕਾ ਜਿਸੀ ਆ ਸਕੁਆਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਅਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਲਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੰਮੂ ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 50% ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਐਸੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੇਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ 5-5-10-10 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਮ ਦੀ ਕਿ ਇਸੀ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਮ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੱਖੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਚ ਵੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੋਲਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਸ ਕਰਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਤੂੰ ਮੀ ਦਿਖੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਮੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾ ਕੰਨਾ ਕਰ ਤੋ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਪੇਜ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਅਜੇ, ਉਸੇ ਵੀ ਤੋ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਨੋਲੇਜ ਮੈਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਟ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਰੱਜੀਏ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਰੱਜੀਏ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।